नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसबी प्लस में। सीजीएल और सीएचएस का एग्जाम बहुत पास आ रहा है, इसी को देखते हुए आज हम सोच रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत विस्तार से पढ़ाया जाए। क्वेश्चन हम सीट के माध्यम से कराएंगे और क्वेश्चन जो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा। तो कोऑर्डिनेट को जो है विस्तार से समझने के लिए पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट है क्या, इसका जो है बनता कैसे है, कोऑर्डिनेट की रचना कैसे होती है। तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो दो लंबवत अक्षों पे बना होता है, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, यानी दो लंबवत रेखाएं जो है का जो कटान बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और ये यक्ष अक्ष और वाई अक्ष पे बना होता है, यानी ये यक्ष अक्ष होता है और ये क्या होता है, ये वाई अक्ष होता है। और ये जो इसका यहाँ पे इसको मूल बिंदु कहते हैं। सभी दूरियां क्या होती है, हमेशा सभी दूरियां हमेशा मूल बिंदु से मापी जाती है, यानी जो भी दूरी यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, सारी दूरी मूल बिंदु से मापी जाएगी। और जो दायां तरफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो बायां वो निगेटिव होता है। दायां तरफ की जो दूरी यहां से ये दूरी मापी जाएगी ये पॉजिटिव होगी आपकी, और जो बायां तरफ की दूरी यानी ये दूरी होगी ये आपकी निगेटिव होगी। ऐसे ये भी पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो ये इसका समतलीय आकार होता है, इसे कार्तीय तल भी कहते हैं, कार्तीय तल। तो आपको बता दें कि इसमें जो है संगत और असंगत क्या होता है, संगत अक्ष और असंगत अक्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसबी प्लस में। सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम बहुत पास आ रहा है, इसी को देखते हुए हमने सोचा निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सबको पढ़ाया जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बहुत विस्तार से आपको बताने वाले हैं, सारे क्वेश्चन सीट के माध्यम से कराएंगे, क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा। तो निर्देशांक ज्योमेट्री क्या है ये समझते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री जो है दो लंबवत रेखाएं जो है, जब जो लंबवत रेखाओं का जो कटान बिंदु होता है वह मूल बिंदु इसका होता है, और ये क्या होते हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, कुछ इस तरह बने होते हैं। यानी इसका जो कटान बिंदु लंबवत होता है ये जो है मूल बिंदु इसे कहते हैं, और ये कितने अक्षों पे, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष पे बने होते हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष पर बने होते हैं, पूर्णतया समतलीय होते हैं। इनकी जो दूरियां मापी जाती हैं, यानी समस्त दूरियां कहां से मापी जाती हैं, सारी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं। और ये जो दूरी होती है ये दाएं तरफ की दूरी पॉजिटिव होती है और बाएं तरफ की दूरी निगेटिव होती है, यानी ये भी पॉजिटिव होगा ये भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें देखते हैं संगत निकाय और असंगत निकाय क्या होते हैं। संगत निकाय समझिएगा, संगत निकाय, संगत निकाय वह निकाय होते हैं जिसके केवल एक हल प्राप्त होते हैं, यानी उन रेखाओं के जिसके केवल एक हल प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, संगत निकाय होंगे, और जिसके क्या होंगे कोई हल नहीं प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, असंगत निकाय होंगे, असंगत निकाय। तो रेखाओं के हल करने का जो प्रक्रम है वह क्या है, आइए देखते हैं रेखाओं के हल करने की जो शर्तें हैं। तो रेखाओं के हल करने की शर्तें हैं, करते हैं क्या क्या शर्तें हैं, पहले पहला है अद्वितीय हल प्राप्त करना। तो अगर रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, देखिए a1x प्लस b2y प्लस b1x b1y और प्लस c इक्वल टू जीरो, और दूसरा समीकरण क्या होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू जीरो। यदि आपका a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 यानी नाज इक्वल टू b1 अपान b2 है तो निकाय के केवल एक हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे, एक हल प्राप्त होंगे, यानी इसको कहते हैं अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। और जो दूसरा है आपका a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2, यानी जब अनंत हल के लिए
प्राप्त होंगे। अनंत हल प्राप्त करने की शर्तें ये हैं आपकी, a1/a2 b1/b2 c1/c2। और कोई भी हल ना प्राप्त हो या रेखाएं समांतर हो तो उसके लिए क्या होंगी, उसके लिए जो शर्तें होंगी समांतर के लिए, समांतर या कोई हल ना प्राप्त हो तो इसके लिए जो शर्तें होंगी a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये इसकी शर्तें हैं। और इस पर बनने वाले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस पर बनेंगे। तो इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सेट ने दिया है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x-2i = 3 और क्या दिया है, तथा 3x+ky = 1। इसका जो है अद्वितीय हल आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। या कह रहा है कि जो है के किस मान के लिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, के किस मान के लिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो हमने अभी बताया कि a1/a2 a1/a2 is not equal to b1/b2, इसी पर मान रख लेंगे। a1 का मान यहाँ क्या होगा, यहां से देखिए तो a1 का मान 1 होगा, यहाँ पे 1x हो जाएगा। और b1 का मान क्या होगा आपका, b1 का मान -2 होगा। और c1 का मान क्या होगा, इसको अगर इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा c1 का मान यहाँ से। और यहां से देखिए आपका a1 का मान यहाँ से क्या होगा, यहाँ से a2 का मान 3 होगा और b2 का मान क्या होगा, k होगा यहाँ पे। और c2 का मान क्या होगा, इस समीकरण से इधर ले जाएंगे तो -1 होगा। तो इसी में इसको डंप करते हैं, तो a1 के स्थान पे 1 लिखेंगे, यानी 1/ इसमें a2 क्या है 3 दिया है, 1/3 is not equal to b1 क्या है, इसमें b1 आपका -2 है और b2 क्या इसमें है, k है आपका, k को इधर करेंगे तो k is not equal to 6 -6। तो यानी -6 को छोड़कर बाकी सभी पॉजिटिव मानों के लिए जो है k का जो है क्या प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यानी के -6 को छोड़ के बाकी सभी मानों के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, मिटा रहे हैं इसको हम। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय, के किस मान के लिए समीकरण निकाय दिया है 2x+3y = 7 और दिया है k-1x+k+2y = 3k। ये आपका दो समीकरण दिया है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें अनंत हल पूछ रहा है और के किस मान के लिए जो है रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी ये कह रहा है। तो अनंत हल प्राप्त करने के लिए, संपाती के लिए आपको जो है समीकरण क्या बताए हैं, आपके इसके शर्त क्या बताए हैं, a1/a2 लिख दे रहे हैं दोबारा हम, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये आपका जो है समीकरण होगा, इसी पे मान रखना है। यहां से अगर देखें समीकरण को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -7 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा इसको, इस समीकरण यानी 2x+3y - 7 = 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k-1x+k+2y - 3k = 0, यह होगा। और यहां से आपका a बराबर क्या होगा, a बराबर यहां 2 दिया है
उसके बाद में बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर 3 और सी बराबर क्या है, सी बराबर -7 है, -7। A1 B1 C1 होगा ये, और A2 बराबर क्या होगा यहाँ पे, K-1 दिया है, K-1। इसके बाद में B2 = क्या होगा, K+2 और C बराबर क्या होगा, -3 के। ये आपका जो है C बराबर हो जाएगा। अब इसी मान को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो A1 का मान क्या होगा, 2 होगा, 2 अपान K-1 हो जाएगा, B = क्या दिया है, 3 यानी 3/3 K+2 हो जाएगा, और C का मान क्या दिया है यहाँ पे, -7 दिया है, -7/-3K। अब किसी दो मानों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, यानी जैसे हम इसी को अगर उठा ले, यहां से K का मान निकालते हैं, तो ये मल्टीप्लाई जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 2K+4 = 3K-3। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस, ये उधर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो यानी के बचेगा उधर, 3-2 हो जाएगा, के हो जाएगा, और इसको जब इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 4×3 = 7, यानी के का मान यहां पर क्या होगा, 7 प्राप्त हुआ है। ये आपका सोलूशन रहा। और इसी प्रकार में जो अगला सवाल है उसको भी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे के सवाल देखते हैं फिर। मिटा दे इसको।